मेरे दोस्त कैसे हो आप लोग। जैसे आप सभी को पता है कि मेरा चैनल अगले हफ्ते डीमोनेटाइज हो गया था। मेरे दोस्त, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तब भी, अगर नहीं मोनेटाइज है फिर भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो मैंने गलती किया अगर वही गलती आप भी करते हैं तो आपका भी चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। मेरे दोस्त, बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस वीडियो का कंप्लीट देखिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे दोस्त, इसके लिए जब मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ था, किस वजह से हुआ था, मैंने कैसे सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को, इन सभी के बारे में बात करूंगा। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि आप सभी के प्यार की वजह से मेरा चैनल फिर से मैं खड़ा कर पाया। और उसके बाद टेक्निकल योगी जी को, टेक्निकल इसराज सर को, हवा सिंह सर को और टेक्निकल फारूक सर को कि आप लोगों ने कॉल करके यार इतना मदद किया, आप लोगों को धन्यवाद। तो मेरे दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट यही है कि यार 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं यार, सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, जैसे आपको पता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आपके गूगल एडसेंस में जैसे ही $10 होगा तो गूगल आपसे एड्रेस वेरिफिकेशन पिन भेजता है आपको, उससे आपको अपने चैनल को वेरिफिकेशन करना होता है। मेरा क्या गलती हुआ कि मेरा गूगल एडसेंस पिन नहीं आया, तो मैंने रिप्लाई भी किया फिर भी नहीं आया, जिस वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। तो बिना पिन के मैंने कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज किया, आपके सामने पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कैसे मैंने बिना पिन के अपने चैनल को वेरिफिकेशन किया। लेकिन आपको कुछ बातें यह जाननी होंगी कि जब आपके गूगल एडसेंस में $10 पूरे हो जाएंगे तो गूगल जब आपके पास एड्रेस वेरिफिकेशन पिन भेजता है तो आपके पास रीअप्लाई करने का 4 बार ये मौका देता है। अगर एक बार आपने रीअप्लाई किया नहीं आया तो 20 से 22 दिन या 25 दिन के अंदर आपको फिर से रिप्लाई करने का ऑप्शन आता है, आपने फिर रिप्लाई कीजिए, फिर भी नहीं आता, फिर रिप्लाई कीजिए। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि 1 या 2 बार रिप्लाई करके छोड़ देते हैं। आपको यह ध्यान धरना है कि 4 से 5 महीने के अंदर आपको चारों ऑप्शन है आपको यूज कर लेना है, 4 बार रिप्लाई करने का ऑप्शन यूज कर लेना है, तभी आपको ईमेल वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आता है, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 4 बार रिप्लाई ऑप्शन नहीं यूज करते 4 महीने के अंदर तो आपके सामने ईमेल से वेरिफिकेशन ऑप्शन नहीं आएगा, आप सर पटक के रह जाओगे लेकिन नहीं आएगा। इसीलिए जब आपके सामने एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आए तो आप ये ध्यान दीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, आपको बार बार रिअप्लाई कर लेना है 4 महीने के अंदर, 4 से 5 महीने के अंदर, नहीं तो आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। मेरा क्या हुआ कि मैंने 4 बार यूज़ तो कर लिया था लेकिन फिर भी 1 हफ्ते में लेट था रिप्लाई करने में, 1 हफ्ते में लेट था, जिस वजह से मैं जब 4थी बार यूज किया था, मैंने 16 जुलाई को यूज किया था, रीसेंट किया था, रीअप्लाई किया था, तो मेरा क्या हुआ कि 1 हफ्ते पहले वो पिन नहीं आ पाया तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया। लेकिन जैसे ही कल मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया, उनका जो डेट था वो पूरा हो गया, तो कल मेरे पास ईमेल से वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आ गया था, नहीं तो उससे पहले मैं बहुत परेशान था, मैं आपको बताऊँ बहुत परेशान था, लेकिन नहीं आ रहा था। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास आता है तो आप तुरंत 4 बार यूज कीजिए, 4 महीने के अंदर आए या ना आए पिन अपने जगह है, लेकिन आप 4 बार यूज कर लीजिए। देखिए कैसे आपको बिना पिन का वेरिफिकेशन करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बंदा है, जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो एक भाई ने कॉल किया, उनका तो यार पूछिए मत क्या हालत थी, उन्होंने 1 ही बार अप्लाई किया था और 4 महीने उनका जब क्राइटेरिया पूरा हो गया तो उनका चैनल डिमोनेटाइज हो गया, केवल 1 बार अप्लाई किया था। अब उन्हें 3 महीने तक वेट करना होगा अपने चैनल को, क्योंकि 3 महीने में 1 ही बार वो रीअप्लाई करने का ऑप्शन आता है, वो 3 महीने तक वो रीअप्लाई करेंगे, जब तक उनका 4था क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तब तक उन्हें ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तब 3 महीने तक वो पूरा परेशान रहेंगे। तो मेरे दोस्त, इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ, देखिए जब आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा एड्रेस के लिए या फिर यहाँ ऊपर नोटिस आ जाएगा तो वहाँ भी आपको जाना है, एक्शन बटन आ जाएगा या फिर लर्न मोड आएगा, लर्न मोड पर आप जाइएगा, सबसे नीचे देखिएगा ट्रबल शूटर ऑप्शन रहेगा, आपको ट्रबल शूटर में जाना है। ट्रबल शूटर में ये पूछेगा आपने कि क्या 4 बार ये रिप्लाई करने का ऑप्शन यूज़ किया है, ये आपसे पूछेगा, आपको यस करना है, फिर पूछेगा आपके पास पिन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फिर आपको नो करना है अगर पिन नहीं पहुंचा। इन सभी प्रोसेसर के बाद आपके सामने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आएगा, मेन फंडा यही रहेगा, जब तक आप चारों यूज नहीं करोगे तो आपके पास कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ जाइए, देखिए ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, वही नाम लिखना है जो आपने जिस नाम से आपने एडिसेंस आईडी बनाया है वो नाम लिखिएगा। उसके बाद आपको पब्लिशर आईडी, यहाँ पर पब्लिशर आईडी होता है जो एडिसेंस का, उसको फिल करना है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को किसी तरह से एडिट कर लेना है, एक तरफ आपका फोटो, एक तरफ से आपका एड्रेस हो, ये एडिट करने के बाद आपको अपलोड कर देना है यहाँ पर, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। 3 से 4 मिनट के अंदर मेरा 3 से 4 मिनट के अंदर मेरे पास ये ईमेल आ गया जिसमें मैं बताया गया कि मेरा जो एड्रेस है, वेरिफिकेशन है, वो
वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद 10 से 15 मिनट या आधे घंटे एक घंटे के बाद कुल मिलाकर 24 घंटे के अंदर आपका चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा। मेरा भी हो गया, आपके सामने आज देख सकते हो। तो मेरे दोस्त आपको यह फंडा क्लियर हो गया होगा, अगले बार आप ध्यान दीजिएगा। आपको वीडियो समझ में आई होगी, इसलिए यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।